तो फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूं। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं रोशन राज HD चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यहां पर पैन कार्ड जो आप अप्लाई करते हैं, तो पैन कार्ड अप्लाई करने में आपको यहां पर पैन फॉर्म का वहां पर ज़रूरत पड़ता है। तो पैन फॉर्म को आपको फिलअप किया हुआ रहता है एक, और एक पैन फॉर्म फिलअप करना रहता है। तो पैन फॉर्म फिलअप किया हुआ फॉर्म आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, उसमें केवल आपको सिग्नेचर करना होगा और फोटो चिपकाना होगा, बस यही इतना करके आपको वहाँ पर अपलोड कर देना होता है। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं, और ऑफलाइन यानी कि पेन से फॉर्म भरते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर सिग्नेचर फोटो लगाते हैं तब जाकर वहाँ पर अपलोड करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको वहाँ पर फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप फॉर्म को केवल प्रिंट कीजिएगा और वहाँ पर केवल साइन और फोटो लगाकर आपको फॉर्म को अपलोड कर देना होता है। बिल्कुल आसान तरीके से मैं बताऊँगा आपको, फ़ोटो और सिग्नेचर आपको चिपकाना है तो आपको किस तरह से चिपकाएंगे और कहाँ कहाँ सिग्नेचर केवल करना है, बस यही इतना खाली उसमें डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड कर देना है। तो आपको फॉर्म फिलअप किया हुआ कहाँ से आपको मिलेगा और किस तरह से आप डाउनलोड करके, मैं इसमें सारा जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल आप सभी को अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना ID ओपन करना है। इस तरह से ID में आप लॉगिन हो जाएंगे, और लॉगिन होने के बाद पहले यहाँ पर फॉर्म 49% सर्विस पर जाना है। आपने पूरी तरह से सर्विस यहाँ पर कंप्लीट करके रखा है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सबसे पहले पैन फॉर्म यहाँ पर भरना पड़ता था, लेकिन अब पैन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। पैन फॉर्म भरने का सोलूशन ही मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर कैंसिल करना है। पहले यहाँ पर आपको जो कूपन नंबर है इसको आपको कॉपी कर लेना है। इस तरह से कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके यहाँ पर फॉर्म 49 सर्विस पर आना है, और यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद यहाँ पर एक लिखा हुआ है रीजेनरेट पैन एप्लीकेशन। यहाँ पर ध्यान देंगे रीजेनरेट पैन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पैन का जो एप्लीकेशन नंबर जो होगा, जो मैंने कूपन नंबर यहाँ पर कॉपी करवाया था, उसको यहाँ पर आपको केवल क्या करना है कि पेस्ट कर देना है। यहाँ पर इस तरह से पेस्ट करेंगे और यहाँ पर सबमिट कर देंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पर जो आपका जो पैन फॉर्म भरा हुआ है सभी यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर आपको फ़ोटो और यहाँ पर लगा लेना है, सिग्नेचर कर लेना है। यहाँ से आपको प्रिंट कर लेना है। ये जो पैन फॉर्म है इसको आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको प्रिंट करके रख लेना है, और प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर करवा लेना है, और यहाँ पर नीचे सिग्नेचर करवाना है, और यहाँ पर फ़ोटो चिपका कर आपको पूरी तरह से साइन करवा कर आपको प्रिंट करके और स्कैन करके और यहाँ पर डॉक्यूमेंट में अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर इस तरह से मैं सेव कर लिया हूँ। सेव करने के बाद उसको इस वाला को यहाँ पर प्रिंट करके एक बार मैं फिर से यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको यहाँ पर फ़ोटो चिपकाना है, यहाँ पर आपको साइन करना है, और यहाँ पर फ़ोटो चिपकाना हो यहाँ पर फ़ोटो के साथ यहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए, यानी कि फ़ोटो पर चढ़ाकर ऊपर से सिग्नेचर करेंगे और नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक सिग्नेचर करना है और यहाँ पर डेट लिख देना है। बस इतना ही लिखने के बाद आपको पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको आना है जो डॉक्यूमेंट अपलोड में यहाँ पर, और डॉक्यूमेंट अपलोड में यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट में जाएंगे, यहाँ पर आपको फॉर्म को अपलोड कर देना है। तो इसी तरह से आप यहाँ पर पैन फॉर्म क्या यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट करने के लिए उसमें आपको लगाना होगा, जैसे कि आपको लगाने के लिए क्या क्या लगाना है, तो उसका मैं एक कंप्लीट वीडियो बना रखा हूँ। उस वीडियो को जाकर आप देख लेंगे, और उस वीडियो को देखने के बाद अपना पूरा तरह से आप अपना फ़ोटो सिग्नेचर और पैन फॉर्म बनाना जान जाएंगे। मैं इसमें आपको बता रहा था केवल आपको पैन फॉर्म कहाँ से जनरेट करना है और कहाँ से निकालना है। तो यही थी छोटी सी जानकारी। आप सभी वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मन में किसी भी तरह का सवाल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा।